ग्यारहपुर नाम के एक गांव में बेला नाम की एक गाय अपने पति स्नेपबेल, बेटे रिडल और बहू ग्रेंजर के साथ रहती है। रिडल एक जिम्मेदार बेटा है, इसलिए सारे घर की जिम्मेदारी वही संभालता है और अपने पिता को हर काम से छुट्टी दे दी है, इसलिए बेला और स्नेप आपस में बहुत ज्यादा वक्त गुजारते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। रिडल सुबह जाता है और शाम को ही लौटता है, इसलिए ग्रेंजर को अपने सास ससुर से नफरत है। जिन्हें साथ होना चाहिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और ये बूढ़ा बूढ़ी बेशरों की तरह इश्क लड़ा रहे हैं। मेरा भी वक्त आएगा तब बताऊंगी इन्हें। ऐसे ग्रेंजर हर वक्त अपने मन में ईर्ष्या पालती रहती है। उसकी इस ईर्ष्या से अनजान सभी लोग उसे अच्छा ही समझते हैं। बिल्ला, मैं अपने भाई के गांव उसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। पता नहीं क्यों उसे मिलने का मन कर रहा है। ठीक है, जाकर शाम तक लौट कर आ जाना, मेरा मन ही नहीं लगता है आपके बिना। ठीक है कहकर स्नेप चला जाता है और ग्रेंजर उन्हें बस देखती रह जाती है ईर्ष्या से भरी आंखों से। अपने भाई से मिलकर वापस आते वक्त स्नेप की नाव में पानी भरने की वजह से वो वहीं पर डूबकर मर जाता है। जब ये बात बेला और रिडल को पता चलती है तो उनके दुख की कोई हद नहीं थी। जैसे तैसे अपने पिता का अंतिम संस्कार करके अपनी माँ को हिम्मत देकर वापस से काम शुरू कर देता है रिडल। ग्रेंजर भी यहाँ पर अपनी सासू माँ को अकेली देखकर ताने मारना शुरू कर देती है। मुझे लगता था अपने प्यारे पति की मौत के सदमे में आप भी निकल लोगी, लेकिन अब तो दोंगी निकली। पिताजी से झूठा प्यार करती थी, तभी जिंदा हो और सेहतमंद भी, इसलिए घर के कामों में लग जाओ अब। दुखी और शर्मिंदा बेला अपनी बहू से कुछ भी नहीं कह पाती और चुपचाप घर के कामों में लग जाती है। बेला गाय घर के कितने काम करने पर भी ग्रेंजर गाय उसे ताने मारती ही रहती थी। इतने सालों से मुझे अपनी दासी बनाकर उस बूढ़े के साथ खूब मजे लिया है बुढ़िया तूने। अब मेरी बारी है, जब तक तुम मर नहीं जाती तब तक मैं ऐसे ही करती रहूंगी। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था बेटा तुझे हमसे इतनी दिक्कत हो रही थी कहकर, हमें माफ कर देना, जाने अनजाने में अगर तुम्हें तकलीफ दी हो तो। बेला की तबीयत काम कर करके खराब होती है, लेकिन वो कभी भी काम करने से पीछे नहीं हटती है और ना ही कोई बहाने बनाती है। अपनी माँ की तबीयत खराब हो रही है कहकर रिडल जान जाता है और अपनी पत्नी से बात करता है इसके बारे में। माँ की तबीयत यूँ दिन ब दिन खराब क्यों होती जा रही है, जैसे कि वो धूप में मेहनत करके आ रही हो। मुझसे क्यों पूछ रहे हो, अपने माँ से ही पूछ लो ना। दिन भर खाकर सोने के अलावा वो और करती भी क्या है। रिडल को अपनी पत्नी का ये जवाब अजीब लगता है और उसे उस पर शक होने लगता है और वो घर में असल में हो क्या रहा है ये जानने के लिए एक दिन सिर्फ काम पर जाने का नाटक करता है और घर के बाहर से कुछ होने की उम्मीद में इंतजार करता है। ओए बुढ़िया, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तुझे तो कपड़े धोने को कहा था ना, यहाँ पर महारानी की तरह का रही है, उठ इसी वक्त। ऐसे कहते हुए ग्रेंजर गाय उसकी सासू माँ बेला गाय के हाथ में से खाने की प्लेट छीन कर फेंकते ही रिडल घर में आता है और अपनी पत्नी पर जोर से चिल्लाता है।
तो ये सब हो रहा है घर में मेरे जाने के बाद? हाँ, मेरा माँ एक वक्त का खाना भी नहीं खा सकती है सुकून से। तुम एक राक्षस हो, निकल जाओ अब मेरे घर से। ऐसा मत कर बेटा, बहू नादान है, उसे किसी और बात का गुस्सा है बस। तो इतनी छोटी सी बात के लिए कोई गलत कदम मत उठा ले। ऐसे बेला अपने ही बेटे से रोते हुए क्रूर बहू के लिए माफी मांग रही थी। वो देखकर ग्रेंजर की सारी क्रूरता मिट्टी में मिल जाती है और वह बेला से माफी मांगने लगती है। कुछ देर तक घर में यही चलता है। उसके बाद ग्रेंजर सुधर जाती है, लेकिन उस पर यकीन करने में रिडल को वक्त लगता है। धीरे धीरे सब साथ मिलकर अच्छे से रहने लगते हैं। चायपुर नाम के एक गांव के पास वाले जंगल में डाकेश नाम का एक मंदबुद्धि डाकू बैल रहता था। डाकेश डाकू के दो चेले भी थे, छप्पड़ और गंजू नाम के बैल। ये दोनों डाकेश से भी बड़े मूर्ख थे, इसलिए उसके चेले बने हैं। मुझे इस बार जो सबसे अच्छा उपाय बताएगा, मैं उसे इस बार आधा हिस्सा दूंगा। तो जल्दी से बताओ मेरे नमूना। हमेशा की तरह बातों में उलझ कर लूट लेते हैं सरदार। नई चीजें करने से हम पकड़ जा सकते हैं। हम डाकू है या चोर है सरदार जी, यू कब तक डरकर और चुपके से काम करेंगे? मेरे पास एक बहुत ही अच्छा उपाय है, लोग खुद अपने धन लेकर हमें देंगे। इससे हमारी कमाई भी होगी और कभी डाकों में शान भी बढ़ेगी। ऐसे कहते हुए गंजू बैल अपना महान प्लान डाकेश बैल और चप्पड़ बैल को बताता है। उसकी योजना के हिसाब से डाकेश डाकू पर शेर की तरह रंग लगाकर गांव में लूटने के लिए जाने पर लोग शेर के हाथों में अपनी जान जाएगी डर से खुद ही अपना दान लाकर उन्हें देंगे। वाह मेरे गंजू वाह, तूने तो कुछ कर दिया आज। हमें उस लूट में चाहे जो भी मिले आधा तेरा होगा, वादा रहा। उसके बाद चप्पड़ और गंजू बैल डाकेश डाकू को शेर की तरह रंग लगाकर उसे तैयार कर देते हैं और तीनों बड़ी शान से गांव में लूटने के लिए जाते हैं। पहली नजर तो लोग डाकेश को देखकर डर जाते हैं, लेकिन फिर उसके शरीर को देखने के बाद उन्हें शक होने लगता है। ये एक शेर है तो इसका शरीर एक बैल जैसा क्यों है? ये असली शेर नहीं हो सकता है। अबे वाह, ये डाकू एक सुंदर गाय और खूंखार शेर की औलाद है, इसीलिए ऐसा दिखता है। लेकिन ये मत समझना कि ये कम खूंखार है, शेर सिर्फ मांस खाती है, ये तो हड्डियां तक चबा जाता है। हम अभी आपकी मांग पूरी करते हैं, कृपया करके हमें कुछ मत करना, मोटे मोटे बच्चे हैं हमारे। ऐसे कहते हुए गांव वाले एक एक करके अपनी संपत्ति लाकर डाकेश डाकू के सामने रखकर अपने घरों में जाकर छुप जाते हैं। डाकेश के साथ उसके चेले छप्पड़ और गंजू सारा धन उठाकर जंगल में उनके ठिकाने के पास पहुंचता है। वाह गंजू वाह, तूने जो कहा था वो करके दिखाया है। पूरी जिंदगी चोरी करने पर भी हम इतना नहीं कमा पाते जितना आज एक घंटे में कमा लिया। ऐसे डाकेश डाकू और गंजू बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन छप्पड़ को जलन हो रही थी, इसीलिए वो ऐसी बातें करता है जो उसके साथियों को सोच में डाल देते हैं। चायपुर में तो सारा खजाना खत्म हो गया है, अब हमें कैसे लूटेंगे? अब तो जिंदगी भर खाली बैठे रहना होगा।
तुम्हें क्या लगता है गांव वाले इतने ईमानदार हैं कि एक ही बार में सब कुछ लेकर दे दिया? हम फिर से जाएंगे और फिर से इतना खजाना जरूर निकालेगा, देख लेना। गंजू सही कह रहा है चापट, लगता है तुम्हारा दिमाग अब काम नहीं कर रहा है। ना तुम कोई उपाय दे पाए और ना ही कोई अच्छा बात कर पाए। उन बातों से चपट बैल का मन ईर्ष्या से भर जाता है, इसलिए वो मासूम खराब है। ये देखकर गांव में लूट मचाने के लिए जाने की बात करता है। इस काम के लिए उसके साथी हमेशा तैयार रहते हैं, इसलिए बिना सोचा चल पड़ते हैं। डाकेश पहले की ही तरह सबको डराकर उनका धान लेकर आने को कहता है। गांव वाले कहते हैं कि उनके पास जो कुछ भी था उन्होंने उठाकर उसे दे दिया था, अब उनके पास कुछ भी नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम लोग इतने भी मूर्ख हो कि सच में अपना सब कुछ उठाकर दे दोगे। सरदार ये कहना चाह रहा है कि इससे पहले तुम्हें कोई तकलीफ हो चुपचाप हमारी बात मान लो। ये दोनों ही बात किए जा रहे थे और इस बार चपट बैल एकदम शांत था। कुछ ही देर में वहाँ पर जोरों की बारिश शुरू होती है और डाकेश डाकू का सारा रंग धुल जाता है। सबको असलियत पता चलती है और सब डाकेश और गंजू को खूब मारकर चप्पड़ से सिर्फ उन्हें दान का पता पूछते हैं। चप्पड़ उन्हें पता बता देता है और वो लोग उसे छोड़ देते हैं। चप्पड़ उन दोनों से कुछ कहता नहीं, लेकिन डाकेश को उसके मन में क्या है अच्छे से समझ में आ रहा था।